जिस दिन से टीजा आया है इंतजार हो रहा है, मतलब कमाल धमाल। हाँ बिल्कुल आ जाओ आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आग लगाने के लिए आप तैयार हो, हम भी तैयार हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन, उचित दूरी बनाए रखें, द वन द ओनली द गॉर्जियसली टैलेंटेड कियारा अडवाणी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम वेलकम वेलकम। एंड नाउ द वेरी वर्सेटाइल, मतलब स्क्रीन पे आते ही मतलब खुशी के बीज बो देते हैं ये, गिव इट अप फॉर राजपाल यादव सर। और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ही इज द किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये नहीं कह सकते कि इतनी फिल्में इतना ये, मैं सिर्फ यही कहूंगा डेकेड्स के हिसाब से इन्हें प्यार मिला है, करीब करीब 40 सालों से, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट ऑल्सो एज अ राइटर हमारा दिल जीता है। फिल्मों की अगर मैं बात करूं 50 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स एज अ राइटर, शोला और शबनम याद है, बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू मुझसे शादी करोगे और न जाने कितनी सारी फिल्में। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यार तो होना ही था, हो गया, नो एंट्री चाहे कितने ही बोलते रहे, एंट्री सबने ली इनके दिल में, वेलकम सिंह इज किंग। एंड नाउ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन, भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बाजमे। सर किल कर रहे हो आप, फीमेल फैन फॉलोइंग सर आपकी भी भयंकर है बाहर, ये बोल सकता हूं मैं, है ना। एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन अ विजनरी, आई ऑलवेज से इज अ विजनरी हु इज नॉट जस्ट बैक दिस प्रोजेक्ट बट इसके जैसे न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को दिल जिगर से ही इज बिन सपोर्टिंग। ही इज रूल्ड एंड ओन्ड द म्यूजिक स्पेस फॉर डेकेड्स, और पिछले एक दशक से सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के बॉस लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार। वेलकम सर, वेलकम। एंड नाउ समवन हु इज सुपर सुपर हम्बल, जितनी बार भी मुलाकात कर लो ही इज सुपर हम्बल, ऑलवेज स्माइलिंग, एंड यस उनको पता है ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़नी है। गिव इट अप फॉर प्रोड्यूसर साहब मुराद खेताने। बिफोर वी आस्क देम द क्वेश्चन जो कि मैंने लिख के रखे हैं, मैं तैयार हूं, आई विल गिव यू ऑल अ मौका, अ क्विक फोटो आप गो क्लिक क्लिक क्लिक, जल्दी से माइक्स भी नहीं है अभी कर लो, फिर आता हूं वापस। जी 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 थैंक यू सो मच, कैन वी हैव द माइक्स प्लीज। जी आ जाइए, शुक्रिया। कार्तिक सबसे पहला सवाल ही मेरा आपके लिए है और वो ये है कि यहाँ लोगों का भूत उतारते नजर आ रहे हैं आप, है ना, लेकिन रियल लाइफ में जो रू बाबा का ये भूत दुनिया पे चढ़ा है जिसका सबूत यहाँ पे थिएटर के बाहर एनीवेयर एंड एवरीवेयर देखने को मिल रहा है, उसका क्या बाबा, उसका क्या करोगे, उसका क्या एंजॉय करूंगा, है ना, उसको क्यों भगाऊंगा, उसको नहीं भगाऊंगा, यहाँ लोगों के सरों पे चढ़ रहा है, है ना, 100%। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा, सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए, थैंकफुली टाइम बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम शायद से इतना बड़ा इवेंट एक कर रहे हैं, Seriously? ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। एंड ऑफकोर्स जिस तरीके से आपने तालियां बजाई, हंसे हमारे साथ और डरे भी, आई थिंक ये बहुत वैलिडेशन होता है जो हमें चाहिए होता है और वो वैलिडेशन आप लोगों ने दिया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड वेरी गुड, जोश ऐसे ही चलते रहना चाहिए। कियारा दिस वन्स फॉर यू, यू नो अगर मैं बोलूँ यू आर द लकी चार्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त, तो गलत नहीं होगा, और इंडस्ट्री को इस समय चाहिए भी एक लकी चार्म वैसे, ये भी असली बात है। तो यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स जो आपने दी हैं, कबीर सिंह हो, शेर शाह हो, गुड न्यूज़ हो, तो व्हाट डू यू हैव टू से, मतलब खुद कैसा लग रहा है अब ये भूल भुलैया 2 अभी से ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो गई है? ऑनेस्टली फर्स्टली जैसे कार्तिक ने कहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे, बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ यहाँ पे, आई थिंक दिस क्लैप इज फॉर योर ओनली फॉर बीइंग हियर। हमारे लिए आई थिंक
Honestly, it's very special for me because this entire team, Murad sir, Bhushan sir, myself, we've given a big blockbuster Kabir Singh before. So I feel we're coming back. The energies are lovely. And this is very special because this film is shooting for 3 years. So I know how close it is to Anis sir, to all of us, to Karthik, to each one of us, Manu, our DOP, everyone sitting here. It's like 3 years ke liye we've been sitting, waiting to show you all this film, working very hard to make it what it is. So bas abhi 20th May ko pata chalega if y'all have enjoyed it as much as we have. Thank you. Dikh raha hai yahan pe, josh dikh raha hai. Rajpal sir, I have a question for you. Kai dashakon se logon ke dilon mein jo jagah aapne banayi hai, king of family entertainer wahan khade hain, to sir aap bhi matlab family entertainment mein ek ke baad ek paidan chadhte ja rahe hain. How do you reinvent yourself, sir? Kya uske piche ek secret hai? Please bata do. Sir, every day is learning day, every day is beginning day. Mujhe lagta hai mera janm hua hai abhi. Bas dekho. That's why he is the Rajpal Yadav, ladies and gentlemen. Of course, sir. बहुत बहुत कमाल की बात आपने बोली. अनीस सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए कि इट्स अ फ्रेंचाइज जिसको आगे लेके जा रहे हैं एंड यू हैव कंप्लीटली ओन्ड इट. मतलब इतनी बज हमने किसी और चीज के लिए नहीं देखी है. जिस दिन से ये अनाउंस हुई थी फिल्म, उस दिन से लेके अब तक, एंड आई एम श्योर टी सीरीज के साथ ये और आगे तक बस चलने ही वाली है. व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दिस लव दैट यू आर गेटिंग? हाय एवरीवन, हाय हाय हाय, थैंक यू, थैंक यू. दोस्तों, ये जो फिल्म है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ख़ास फिल्म है. इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहली फिल्म थी हमारी वेलका, अपना भूल भुलैया, उसमें आप लोगों ने और जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस पिक्चर को, तो इसको जब इन्होंने मुझे बताया, भूषण जी ने और अपना मुराद भाई ने कि ये फिल्म, तो वो नेचुरली एक टेंशन तो होती है एज अ राइटर डायरेक्टर आपको कि क्या है, लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी. और हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई ये पहली फिल्म जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारे प्रियदर्शन जी, अक्षय, बहुत अच्छे इन लोगों ने काम किया था. तो उससे ये सेकेंड फिल्म बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं हो, और अगर बिल्कुल वैसे नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ऐसी क्यों नहीं है. तो वो एक बहुत ही बिल्कुल थिन लाइन होती है कि आपको एक फिल्म वो बनानी है जो पहली फिल्म की एक थोड़ी सी याद दिलाए, झलक दिखाए, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो. तो ये एक कोशिश की है एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. आप लोगों की दुआएँ चाहिए. थैंक यू, थैंक यू सो मच सर. एंड एज आई सेड, और ये पब्लिक के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, यू हैव कंप्लीटली ओन्ड इट एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग सर राइट नाउ. भूषण सर, ब्लॉकबस्टर में बीबी होता है सर, यहाँ भी बीबी है ही, है ना? आपके नाम की शुरुआत भी उससे ही हो रही है सर. प्लीज मुझे बताएं, लोग अनाउंस करते हैं फिल्में और उसके बाद वो आती हैं नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं? यहाँ पे एक बार आपने कमिट कर दिया, वो फिल्म आती है और फिर सबके दिलों में रह जाती है, एंड विद दिस यही होने वाला है. व्हाट्स दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है आपको भूल भुलैया 2 के बारे में? सी, दिस इज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, क्योंकि ये 15 साल पहले दिस वॉज हमारी पहली फ्रेंचाइज थी जो बिग वे में हमने उस टाइम पे अपना रिलीज़ करी थी और बनाई थी. तो इस फिल्म को लेके मतलब इतने साल जब काफ़ी लोग अपनी सीक्वल्स वगैरह बना रहे थे कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई सीक्वल को आगे लेके जा रहा था, तो वी थॉट के हमें इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना चाहिए. एंड व्हेन दिस हॉरर कॉमेडी जॉनर वॉज गोइंग अहेड, बहुत लोग इस जॉनर को देखना शुरू कर रहे थे, तो तब लोगों ने मुझे आके बताया कि मींस के यू हैव द फर्स्ट हॉरर कॉमेडी इन योर किटी एंड दैट्स भूल भुलैया एंड दैट स्टिल डू सो वेल इन सैटेलाइट एंड डिजिटल एंड ऑल्सो यू मस्ट मेक दैट. सो बहुत एक स्पेशल इस फ्रेंचाइज को लेके मेरे दिल में और हमारी कंपनी में हमेशा से एक जगह रही है. एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे अनीस भाई हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म एंड जिस तरीके से कैरा ने कार्तिक में इसमें काम किया है. And it's very, very nice. And I hope everybody of you will enjoy the whole film. Thank you. We're going to enjoy the whole film. सही है, जवाब मिल रहा है, बढ़िया है. ओके मुराद सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज बताएं, जब से टीजर आया है, जैसे मैंने कहा, बहुत सारा जोश है. पीपल आर सेइंग कि एक काम करो, आप ट्रेलर मत दिखाओ सर, पिक्चर रिलीज कर दो सर. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, द बज दैट द मूवी हैज क्रिएटेड फ्रॉम डे वन सर? टेंशन बढ़ा दिए लोगों ने, और पहले ही भूल भुलैया जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, मैंने भूषण जी से शेयर की थी कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो
हम इसको बुलबुलिया टू कर सकते हैं। हाँ। तो जब मैंने भूषण जी से कहा था कि ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको हम बुलबुलिया टू बना सकते हैं जी, और भूषण जी ने स्क्रिप्ट सुन के ही हाँ बोल दिया था जी। तो बुलबुलिया टू बनाना ऐसी एक कोई जैसा इतनी सक्सेसफुल फिल्म का फ्रेंचाइज बनाना राइट ऐसी एक टेंशन वाला काम होता है, और जैसा टीजर से रेस्पॉन्स मिला उसके बाद और बढ़ गई है ना। बट हम लोग कॉन्फिडेंट है, होपफुली आप सबको पसंद आएगी। सर इस केस में ऑडियंस कॉन्फिडेंट है सर कि ये आग लगाने वाली है। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द एंटायर कमाल का कास्ट एंड क्रू ऑफ द मूवी भूल भुलैया 2, एंड नाउ इट्स ओवर टू द वंडरफुल फ्रेंड्स हमारे मीडिया से। और पहला क्वेश्चन लेफ्ट से आ रहा है, हो जाए ये सर। मीडिया पूछे सर, मैं परमिशन चाहूंगा सर प्लीज, क्योंकि इस फिल्म से एक टी सीरीज के साथ जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है। हाय कार्तिक, हिमेश दिस साइड टुवर्ड्स योर लेफ्ट इधर। हाँ हाय हिमेश, हाय। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू योर टीम ऑन द ट्रेलर। थैंक यू। माय क्वेश्चन टू इज कार्तिक, दिस इज योर फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज आई थिंक आफ्टर 2 years। How excited are you on that front to, you know, get back to the box office and get the numbers rolling? Because it's as commercial as it gets. बहुत excited हूँ, मतलब ऐसा मन करता है पर्दा फाड़ के बाहर आ जाऊँ। Seriously बहुत बहुत ज़्यादा excitement है, क्योंकि theaters का जो एक क्या बोलते हैं, एक experience होता है, community viewing का जो एक मज़ा होता है उसकी बात ही अलग है। तो भूल भुलैया 2 हमें वो एक मौका दे रही है, और पर्सनली मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज़ करना है, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना, आप सबसे मिलना, फिल्म के बारे में बात करना, फिल्म की चीज़ें दिखाना। सो वो एक एक्साइटमेंट रहता है, और रिलीज़ तक एक एक्साइटमेंट रहता है, फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो यू लव दैट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक वो वापस से चालू हुआ, एंड आई एम रियली गोइंग फॉर इट, एंड मतलब बहुत चीज़ें करने वाले हैं अभी हम। And Murad sir and Anish bhai, one question for you. Murad bhai, you said that you came across this script and thought of making it into Bhul Bhulaiya. What was the idea behind this, and how easy, difficult was it to convince Anish Bazmi to direct a horror comedy? Because it's a first for him. It was not that hard, because Anish bhai, see, he has done most of the films were comedy. But he is a very versatile director. He can do any genre. You give him a thriller, he has done Divangi and all also. So you give him any good script, he will do. So we knew that. Hi. Thank you. KK ka kamal. Acha. I'm sure Kiara has a story. मैं विश्वास नहीं करती हूँ, बट जब हम शूट कर रहे थे कार्तिक और अनीस सर ने काफी प्रैंक्स किए मेरे पे। आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी। तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है, तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद इट, कि यहाँ पे किसी का समबडी हैज डाइड, इट्स नॉट बीन ओपन फॉर 20 years, 50 years वगैरह वगैरह। तो उसका फायदा तो इनको लेना ही था, तो आप बताइए। हवेली का फायदा, कैन यू प्लीज रीफ्रेज? या वी वर शूटिंग, इट वाज 3 o'clock एट नाइट। बस रहने दे, इट्स अ हॉरर कॉमेडी। हाँ, तो बस कहानी वहीं पे थी, बस इतनी कहानी थी। वहां बहुत अंधेरा हो रहा था, बहुत सुनसान था। अनीस भाई और कुछ आइडिया? अनीस भाई ने इन्होंने आइडिया दिया। भूत मतलब मम्मी क्या बिलीव कर मुझे कभी कभी भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर। तो आई थिंक एनर्जीज होती है, एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ, कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे, जैसे
मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो उनकी एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है. आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है कहाँ नेगेटिव एनर्जी है, तो उसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ. अबे ग्वालियर से हूँ तो वहाँ भूत होते हैं. ग्वालियर छोटा शहर है, थोड़ा कुछ होगा वहाँ. नहीं नहीं ऐसा कहानियाँ बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है, फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं प्रेत. हाँ बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते थे हम बचपन से. यू आर फ्रॉम आगरा, ताजमहल के बारे में भाई मुमताज दिखनी चाहिए ना आपको तो. क्या क्या खा रहा है तू? क्या हो गया सर? कोई ना, आइए नेक्स्ट जी. हाय कार्तिक, हेलो. हाय हेलो हाय. प्रीति यार फ्रॉम फर्स्ट इंडिया फिल्मी, ट्रेलर इज वेरी प्रॉमिसिंग. जानना या व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ड्यूरिंग शूटिंग फॉर यू? या बेस्ट पार्ट बहुत सारे हैं. मतलब मैं ऐसे एक बेस्ट पार्ट बता दो. बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे सारे कोस्टार्स बहुत अच्छे थे इस फिल्म में. आई लव्ड शूटिंग विथ एवरीवन बिकॉज सब अपने अपने स्किल्स, इतने स्किलफुल एक्टर्स थे इस सेट पे कि बहुत मज़ा आया सबके साथ शूट करके. और तो कभी भी जैसे कियारा और मैं भी कोई सीन कर रहे हैं तो वो बार बार वो एक्शन रिएक्शन वाली जो बात होती है तो उसमें वो अगर किसी ने कुछ अलग करने का मन हो गया तो समझ आ जाता था कि उसका रिप्लाई एक्शन सब वो एक ही उसमें चला जाता था सुर में. तो वो बहुत अच्छा राजपाल सर के साथ पोटलू का है, यहाँ पे बैठा हुआ ये कैरेक्टर है इसका ना, हमारे इसका नाम ही पोटलू रख दिया. दिखा अपनी शक्ल, दिखा पोटलू. हाय से हाय टू एवरीवन. हाय. सो इज अ वेरी गुड एक्टर एंड सो एवरीवन, आई मीन संजय मिश्रा सर, राजेश सर, अर्चना मैम, तब्बू जी. तब्बू जी आज शहर में नहीं है एंड अभी बाकी सारे एक्टर्स हैं. अगर आज वो होती तो बहुत मज़ा आता. बढ़िया तब्बू जी. नहीं ऑफ कोर्स मैं तो एवरीवन सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा था तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट. द वर्स्ट पार्ट वाज कि ये और इस कभी कभी स्ट्रेंथफुल होता है.